नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज में हैं। इत्र व्यापारियों के 20 परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है, यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए हैं। यहां पर पहला उत्तर प्रदेश का सरकार का अपनी सरकार की पराग का काउ मिल्क प्लांट लगा था, और काउ मिल्क प्लांट इसलिए लगाया था कि आसपास यहां के किसानों से दूध खरीदा जाएगा और दूध के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, वो काउ मिल्क प्लांट के से काउ के ही दूध के प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि इधर गाय को लेकर के और गाय के दूध के लेकर के लोग जागरूक भी हैं, और केवल आज से जागरूक नहीं है, यहाँ जितने भी गरीब लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर दिमाग को और अपने आप को स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो गाय का दूध ज्यादा पीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काउ मिल्क प्लांट के वे सत्यानाश कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती, वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया, इसलिए यहां पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले, ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी, जब से हार सताई है दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए, और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। बस्ती सदर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अजय सिंह अपने आवास पर मृत पाए गए। उनकी पत्नी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बस्ती का ये पूरा मामला, जहां पर अपने आवास पर मृत पाए गए उप निरीक्षक
उनकी पत्नी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कल 30-31 दिसंबर की रात्रि में जनपद बस्ती में कार्यरत 2018 बैच के पुलिस उप निरीक्षक अजय सिंह की संयुक्त में मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके साथ रहने वाली उनकी बीवी ने जब थाना कोतवाली को मौके पर पहुंच करके बॉडी को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। अभी अजय सिंह के परिवारी जब आएंगे तो उनसे पंचनामा भरवा करके आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया इस मामले में कोई ऐसी संदिग्धता प्रतीत नहीं हो रही है, फिर भी हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। उप निरीक्षक अजय सिंह 2018 बैच के भर्ती थे। पिछले काफ़ी 7-8 महीने से गरारी गए थे। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने जनपद बस्ती में आमद कराई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तो प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। उसी का हकीकत या फिर तहकीकात करने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद रोड पर निकले हैं और दौरा किया है। इस दौरान बच्चों को मास्क पहनाकर कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर बढ़ते कोरोना की वजह से तमाम गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं उनके बच्चों को भी मास्क पहनाकर, ये कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन यहाँ पर किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चालान भी किया जाएगा। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक की तरफ से जिले में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, गांजा, तमंचा आदि के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मौधा पुलिस की तरफ से रात बसवारी रोड से 2 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को जेल भी भेज दिया है। द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौधा पुलिस को व्यापक सफलता हासिल हुई है। मदारपुर के भूरा पुत्र अब्बास और अरतरा का लल्ला पंडित से लगभग 25 किलो गांजा, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में दूसरी बरामदगी है। इसके पहले इलाही तालाब से एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ था। आगामी विधानसभा चुनाव में इस अवैध गांजा का सप्लाई करके मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना थी, उसके क्रम में यह एक बहुत बड़ी और आगे भी जो सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के सरीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान को सबसे आगे रखा गया है तो वहीं सरीला क्षेत्र के छेड़ी बेनी गांव में 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है लेकिन शिव भगवान सफाई कर्मी की तरफ से नाली से साफ नहीं किया गया। मलबा अभी तक नहीं उठाया गया है। जब गांव के लोगों ने सफाई कर्मी से कहा कि इस मलबे को क्यों नहीं साफ कर रहे हो तो सफाई कर्मी ने कहा कि मैं यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आया हूँ, जब मेरा मन होगा तब करूंगा। गाँव के लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी को हटाकर पुराने सफाई कर्मी की तैनाती हो जानी चाहिए। ये समस्या है कि यहाँ की नालियाँ हैं तो साफ सफाई नहीं हो रही, कूड़ा कचरा गर्मियों में पड़ा है और हम लोग सब परेशान हैं। सफाई कर्मी से कहा जाता है तो सुनता नहीं, प्रधान से कहा जाता है, प्रधान कहता है तो उसकी भी नहीं सुनता, सचिव भी नहीं सुनता, कहता है जो मैं करूँगा, तुम कौन पैसे दे रहे हो। यहाँ नाली में कीड़े पड़े हैं गंदगी के मारे, चन्नी पर 8 महीना हो गए, मो आए यहाँ सफाई कर्मी नहीं आओ। एक दिन मैंने बोलो कि सब क्यों नहीं सफाई करत तो कहते कि मन को कंप्लेन कर दें तो कहते ऐसी कंप्लेन तो होती रहती है। अच्छा, प्रधान और सचिव से कुछ कहा आपने? प्रधान सचिव से हम प्रधान की मैं दोरी गई थी कि हमारे दो सफाई का तुम्हें कल भेजा दो, अब आज तक नहीं आऊंगा। लखीमपुर खीरी के मोमदी स्थित एक स्कूल की 3 छात्राएं अचानक लापता हो गई। बताया जा रहा है कि छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने छानबीन शुरू की और स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला है, जिसके बाद पुलिस ने सकुशल 3 छात्राओं को परिजनों को सौंप दिया।
रायबरेली के ऊंचाहार में धान खरीद केंद्र पर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान गोदाम प्रभारी को किसान ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि रोज की तरह आज भी पीसीएफ गोदाम पर धान की खरीद हो रही थी। उसी दौरान सूचना मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की। टीम ने गोदाम प्रभारी सुनील कुमार मौर्य को एक किसान से घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि केंद्र पर किसानों से धान खरीद को लेकर रुपया लिए जाते थे। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई थी। छापा मारने से पहले टीम केंद्र के बाहर खड़ी रही। इसके बाद एक किसान गोदाम के अंदर गया, जहां प्रभारी किसान से रिश्वत लेने लगा। उसी समय दरवाजे के पास पहले से तैनात एंटी करप्शन की टीम ने केंद्र प्रभारी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्रकरण ये संज्ञान में आ रहा है कि पीसीएफ के केंद्र प्रभारी जो कि ऊंचाहार में हमारे धान क्रय समिति के केंद्र को ले गए हैं, वहाँ पर जो केंद्र प्रभारी थे उनके द्वारा कुछ धनराशि अवैध रूप से किसानों के द्वारा वसूले जाने पर टीम के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। अभी संज्ञान में इतनी ही बात आई है, संज्ञान में नियमानुसार कार्रवाई होंगी उसके बाद करवाएंगे। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हुए। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को बड़ी सौगात दी है। आशा बहुओं के कार्यक्रम में घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2020 से अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा बहुओं और आशा संगनियों को 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराएंगे। सीएम ने ऐलान किया कि अब आशा बहुओं को 5300 रुपये मानदेय की जगह 6000 रुपये मिलेगा। टीकाकरण करने वाले संविदा एनएम को भी इसमुक्त 10000 का मानदेय देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 80000 से ज्यादा आशा बहनों को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। बाकी 80000 को दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फोन के बाद आशा बहनों को अनावश्यक कागज नहीं रखना होगा। उनकी भागदौड़ और लिखा पढ़ी में समय और श्रम दोनों बचेगा। सीएम योगी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे तो शासन से मिलने वाला आपका मानदेय समय पर आपके पास पहुंच जाएगा। लखनऊ में इत्र कारोबारी के परिजनों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे इनकम टैक्स की टीम घर के कोने कोने की छानबीन कर रही है। इत्र व्यापारी मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर पर पहुंचे इनकम टैक्स की टीम को देख आसपास हड़कंप मच गया। हसुगंज स्थित मोहसिन की कोठी पर इनकम टैक्स की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय पुलिस के साथ ही इनकम टैक्स के 4 अधिकारी मोहसिन मलिक के बंगले पर जांच करने में जुटे हैं। कानपुर और कन्नौज में आयकर विभाग की कई टीमें छापेमारी में जुटी हुई है। इस बीच टीम ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर भी छापेमारी की है। यहाँ 2 इतर व्यापारियों के घर छापा पड़ा है। दूसरे व्यापारी का नाम मलिक मियाँ है। फिलहाल कानपुर और कन्नौज के कई व्यापारी टीम के निशाने पर हैं। पुष्पराज जैन पंपी वही है जिसने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। और रही कि अचलदा थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जालौन में अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक गेस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का मूल मंत्र दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर देश की कई पार्टियां यूपी में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। अपना दल पार्टी की सहयोगी पार्टी है और वर्तमान में इस पार्टी के कई मंत्री, विधायक और एमएलसी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं और यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के पदाधिकारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब चुनाव के समय में तो सारी पार्टियां अपने संगठन के लिए जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण हो रहा है नेताओं का। हमारी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। मंत्री भी हैं, 9 विधायक हैं, एमएलसी भी हैं। हम भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और ऐसी सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से 2022 को लेकर तैयार हैं और इस तैयारी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हम लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद भी वन्य जीवों की तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खटीवा कस्टम विभाग ने कल रात ट्रैकिंग के दौरान एक इनोवा कार को पकड़ा, जबकि कार के अंदर सवार 4 लोग भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान कस्टम विभाग को कार के अंदर 4 बंद बोरे मिले, जिनके अंदर कछुए भरे हुए थे। कस्टम विभाग ने खटीमा वन विभाग को इनोवा कार और जिंदा 173 कछुए सुपुर्द किए हैं। खटीमा वन विभाग ने न्यायालय से जिंदा कछुओं को नानक सागर में छोड़ने की अनुमति भी मांगी है। मुझे जो है दूरभाष पर जो बताया गया कि कुछ कछुए जो है इनोवा कार
में जो है पकड़े गए हैं मेरे रेंज कार्यालय में मय कछुए 173 और इनोवा कार को लेकर आए जिसको हमने अपने समर्थन में लिया तत्काल जब और तत्काल हम लोगों द्वारा जो है एसटीपी जारी कर जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय खटीमा में मेरे स्टाफ द्वारा जो है इसको जो है आज करम उसको जो है प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ पे जिस और जो 173 कछुए जिंदा हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा परमिशन ली जा रही कि इनको जो है छोड़ने के लिए क्योंकि ये कछुए शेड्यूल वन के जीव हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या पहुंचे जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने सुनिए। बाबूजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा होता है वो बताया और बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर अडवाणी जी निकले थे रथ यात्रा निकली थी किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु से राम का मंदिर बनने वाला है। ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं? गरीबों के घर में 2 साल तक मुफ्त में आज भेज सकते हैं क्या? गरीब माताओं के लिए शौचालय बना सकते हैं क्या? गरीब के घर में बिजली भेज सकते हैं क्या? गरीब को घर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी दवाइयों का खर्चा अखिलेश मुफ्त में दे सकते हैं क्या? अगर ये देने का साहस किसी में है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों नरेंद्र मोदी जी समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भारतीय जनता पार्टी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों मुझे बताइए जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता। अभी अभी ये कांग्रेस यहाँ घूम रही है, वो बहन जी घूम रहे हैं। गत चुनाव में मैं आया था, गत चुनाव में राहुल जी ने यहाँ सभा करी थी और वो आलू की फैक्ट्री डालना चाहते थे। भाई आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? उनको मालूम भी नहीं है कि फैक्ट्री में आलू नहीं होता, ये धरती माता आलू उगाती है। मित्रों
एक कांग्रेस सपा बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का भला करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।